और पूरा धुंध सी छाई हुई है और ठंडा भी लगने लगा यार इधर मौसम। चेंज करना पड़ रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, देख लीजिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब यार मैं आरी को, रॉयल इनफील्ड को बहुत मिस कर रहा हूँ, बुलेट को यार। गाइस मीटर हो गया जीरो और यहाँ ऑल सेट सत्यार। बाकी अभी रात है ना, तो अभी बाहर वीडियो बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे और बाकी सही है। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और टाइम हो रहा है रवि का जो 4:35 अगर आपको दिख रहा है। और भाई साहब एक्साइटमेंट लेवल है एक नंबर, मतलब अव्वल लेवल की भाई। रात में 11 में सोया, 3:30 उठ गया भाई ट्रिप के लिए। और बाकी एक बाइक चल रही है आगे, पल्सर NS है ना, वो पल्सर NS आगे। और बाकी हम हमारे चाचा जब पिछली नेपाल वाली राइड पे थे। और यार अभी पूरा विजिबिलिटी जीरो, मतलब आगे आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर है ना, क्योंकि रात है अभी। और बाकी तो सब यार भगवान बस राइड अच्छे अच्छे कंप्लीट कर दे। तो जय बजरंग बली, राइड अच्छे से लौट अच्छे से जाएँ, मौज करते हो अच्छे से आएँ वापस, ठीक है। बस बाकी तो यार मतलब बस ये वाली राइड ना बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मेरे 27 है यहाँ से बहराइच डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद ना वहाँ से लगभग यहाँ से 414 किलोमीटर ये दिखा रहा है नीम करोली। और वहाँ से आगे देखते हैं बाकी ये डिस्टेंस। बाकी सब आप लोग मस्त है ना, मज़े है ना, बस मज़े करिए, लाइफ इन्जॉय करिए और भाई थोड़ा थोड़ा प्यार देते रहिए, बाकी अपने को कुछ नहीं चाहिए। और लाइट जब अच्छी है, लाइट में बहुत दिक्कत नहीं। मुझे क्या कल प्रॉब्लम हो रही थी, कल मैं लखनऊ से वापस घर आया, वो वाला ब्लॉग आपको देखे होंगे, अगर नहीं मैं तो आई लिंक बटन में मैं दे दूँगा। तो कल लखनऊ से वापस यहाँ आया, बाइक को सब कुछ सही करा ली, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अभी पता है अगर लास्ट ब्लॉग से ये वाला ब्लॉग आप देखेंगे ना, तो मैं इसका मीटर चेक कर रहा हूँ कि पेट्रोल मैंने अभी नहीं डाला है, पेट्रोल इसको अभी नहीं डालूंगा, जब ये जीरो पेट्रोल गाड़ी बंद हो जाएगी फिर पेट्रोल डालूंगा। देखो कितनी एवरेज दे रही है। सुबह निकलने का रीज़न ये था, जो गूगल मैप दिखा रहा था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे यार जाने के लिए कि यहाँ जाने नहीं दे रहे थे, तो मौसम सही नहीं है। और जो वहाँ का वो दिखा रहा है, जो वेदर दिखा रहा है आपको अब खा रहा है, तो अभी बारिश वाला माहौल दिख रहा है। मतलब कि नैनीताल की बारिश तो आप जानती हैं, कभी होनी है कभी नहीं होनी है, कभी ठंडी में नहीं पता कब बारिश होगी कब नहीं होगी भाई। तो अभी का क्या बताएं, ओ यार ब्रेकर भूल गया भाई, देखो हजूर पर मतलब ब्रेकर भूल गया भाई मैं। चाचा दिक्कत नहीं है ना कोई, बस बढ़िया मजे ना, चिल यार। देख ये ब्रेकर कितने खतरनाक है ना, बाकी अभी हम रुक के एक बार चेक करेंगे, पेट्रोल यहाँ नहीं डलाते ना, पेट्रोल डलाएंगे अभी। एक लीटर लगभग रखा हुआ है मेरे पास बॉटल में, तो वो डालने के बाद जहाँ खत्म होगा वहाँ कराएंगे हम लोग। क्या टंकी फुल, दोबारा से तेल डाल के दिखाते हैं, गाड़ी स्टार्टिंग में बिल्कुल खत्म हो गई गाड़ी, ठीक है। अरे अरे वो फ्यूल चेक कर रहा था, कितना एवरेज दे रही है, किनारे किलो गाड़ी आ रही है। तो दोबारा से हम डाल रहे हैं तेल 1 लीटर, वहाँ मैंने चेक किया था तो देख रहा हूँ आज कितनी एवरेज दे रही है, वहाँ पर डाला था कल है ना, तो अब क्लियर हो जाएगा कितने की एग्जैक्ट एवरेज दे रही है। अब इसके बाद जहाँ कराएंगे ना टैंक फुल कराएंगे फिर, क्यों गाइस टैंक फुल। तो अब इसके बाद ये बॉटल की अब हमें कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पेट्रोल था भाई। मिनट तो इतना एवरेज दे रही है। सो गाइस पहुँच गए हम बहराइच फाइनली, और अभी जो टाइम हो रहा है 5:03 अगर आपको दिख रहा हो, और डिस्टेंस हो गया है ये 27.3 किलोमीटर, 27.4 किलोमीटर। और कितने मिनट हुए, कितने मिनट हुए भाई, कितने में निकले थे हम लोग, 4:00 हाँ, तो ऐसे 30-37, 4:30 आप देखते, आपने देखा होगा जो भी टाइम है, तो इतना टाइम लगा मुझे यहाँ पे, काफ़ी अच्छी स्पीड थी, रोड पूरी खाली थी। और यार मुझे पता है बनारस में रहता हूँ, मुझे इतना पता नहीं प्रॉब्लम, इसके ब्लिपर्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना गाड़ी के, वो सुपर अपना। तो वो पता है यहाँ पर कहाँ बहराइच, कहाँ पे बहराइच, कहाँ पे यार बनारस में बहराइच नहीं जानते लोग यार, गोंडा जानते हैं बहराइच नहीं जानते। तो हम कहेंगे ठीक है ब्लॉग बनाएंगे, ब्लॉग में ज़रूर बहराइच को इंक्लूड करेंगे। तो ये अभी पूरा रोड देख लो भाई लोग,
ये रोड पूरा खाली है, अभी पहले पहले का है ये। और यहाँ पे यार ये गजब का जंप। तो ये है बहराइच, अभी ये पहले का है भाई, ये ना कहते ना मेन सिटी यही है, मेन सिटी आगे है यहाँ से, मतलब जो चौराहा है। और क्या ही बताऊँ यार, बहराइच मेरा बहुत अच्छा है वैसे, ठीक है। जो बारिश से झोंके थोड़े तो आ रहे हैं यार, बूंदा मांदी अभी से स्टार्ट हो रही है यार, क्या हो रहा है। इंद्रदेव आपसे यार टाइम मांग है, प्लीज़ आज ना बरसो, दो दिन मत बरसो प्लीज़ प्लीज़ यार, नहीं तो पूरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। राइड तो होगी बट ब्लॉगिंग ख़राब हो जाएगी यार, मतलब ये बस निकल रहे हैं यहाँ से, सीतापुरा रोडवे मुड़ गए हैं और यहाँ से आगे देखें कोई पेट्रोल पंप यार। अभी तो यहाँ पर वैराइज पेट्रोल पंप नहीं खुले, 5 बज गए भाई, 5:15 बजे पेट्रोल पंप कब खोलोगे भाई, हम जैसे कब राइड करेंगे। अरे यार ये बारिश फिर से पड़ने लगी भाई, टक टक टक। और उजाला होने को है भाई, उजाला होने को है, बादल आगे बिल्कुल घने बादल है यार। ओ भाई यार प्लीज़ बारिश ना हो यार, बस मतलब बारिश के मौसम में हम जब हरदम बारिश मांगते तो बारिश होती नहीं है। और यहाँ पे भैया ये लोग तो रुकना ही नहीं इनको, गलती पेट्रोल पंप दिख रहा है शायद ऑन है यार, पेट्रोल बिल्कुल नहीं है वो। अरे ये भी बंद है यार, ये तो गलत हो जाएगा भाई मेरे लिए, ये भी बंद दिख रहा है भाई, कुछ खुला नहीं है यार, बंद है यार। गाइस पेट्रोल ख़त्म हो चुका है यार, मतलब पता है बंद हो रही है, धक 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 कर रही है गाड़ी यार, खुला हो बस, अब बंद हो गई, अब नहीं जाएगी आगे, बंद हो गई अब नहीं जाएगी, अब खुला मिल जाए भाई बस प्लीज़, क्योंकि कई जगह पेट्रोल खुला है। फाइनली गाइस थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड भैया, भैया नहीं तो फिर अभी तो धक्का लगाना पड़ता यार अभी तो धक्का लगाना पड़ता भाई, भैया पेट्रोल पंप बहराई से नहीं मिल रहा मुझे, सब बंद पड़े हुए अभी। चलो भाई फाइनली अभी खोले हैं क्या, कितने मिनट हुए? अच्छा भैया ये 24 घंटे खुले रहता है, और बाकी जो बहराइच में भाई, बहराइच सिटी मैंने देखा, बहराइच पेट्रोल पंप बंद थे लगभग। चलो यहाँ कराएंगे टैंक फुल, और जो फाइनली वो दो मतलब 2 लीटर डालने पे मेरी गाड़ी जो चली है कितना इधर चल गई है मेरी, इधर 55 दिखा रहा है मीटर ना, 55.8 इधर चल गई। और हाँ वही कह रहा हूँ कि अभी तक अभी धक्का लगाना पड़ता भाई भैया डाल दो यार, डाल दे दो भैया। 11 लीटर 12 लीटर देख तो फुल कर दो, आराम से कितने लीटर है भाई, 15.78 ये कैसे भैया 12 लीटर दिखाता है यार ये तो। बस भाई बस भाई बस 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 वो थोड़ा गैप रहने दो स्पेस के लिए 15 लीटर देखे तो बुलेट ही करते हो भाई ऊपर भाई, ये वो भी जीरो के चला जाओ यार, मैंने देख लीजिए अब 16.909 मतलब इतना पेट्रोल आया मेरे गाड़ी में यार, मुझे सही नहीं लग रहा यार, इतना थोड़ी 12 लीटर क्लेम करता है यार ये भाई मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, मतलब सोचने से आगे जो टैंक हो गया फुल, आपको सीन नहीं है। और अभी जो डिस्टेंस है 56 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर है चालारी घाट, आप कोई टेंशन नहीं है, बस एक ही टेंशन था फ्यूल का भाई, एग्जैक्ट वहीं ख़त्म हुआ जहाँ पे वो मिलना था हमने पेट्रोल टैंक, नहीं तो फिर भाई अभी घसीना पड़ता। अब दिन हो गए ना, वैसे ट्रक कुत्ते बिल्ली सब कुछ रोड पे देखेंगे यार, और उससे ज़्यादा आदमी सब कुछ देखेंगे। आपका चालारी पुल आप देखिएगा, अभी बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ से सबसे बड़ा पुल है इधर का, और ये रोड अब ये देखो घाघरा, मतलब कितनी बड़ी नदी है देखो यार, ये बहुत लंबा, आपको यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है ना, वहाँ तक यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, थोड़ा सा फोटो खींचेंगे भाई, पोस्ट भी तो डालना है यार इंस्टाग्राम और उस पर, आगे लगा दो
थोड़ा पोस्टर डालेंगे भाई, लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि हम निकल गए। यूट्यूब जो वीडियो आएगा वो तो थोड़ा लेट में आएगा, और बाकी यार चेक करो इसका पानी कितना तेज चल रहा है यार, कितना मिट्टी मिट्टी हो रहा है, मतलब जो पानी कट कट के आ रहा है। कूदना नहीं है तुम्हें यार, कूदना नहीं है बस, अभी बड़ी लंबी राइड करनी है, इसके बाद और कहीं राइड लंबी लंबी राइड मारेंगे। और इधर देखो मैं यहाँ पर एक बार आया हूँ, और वहाँ रुक के उस साइड तुम आए थे नहीं आए थे तुम आए थे ना, मैं सुबह में आया था तो वहाँ पे हम लोग फोटो वीडियो बनाते थे आगे एंड में। और पानी देखो यार, मतलब जहाँ तो देखोगे इधर ना पूरा वो पूरा, अरे यूपी का सबसे बड़ा पुल है ना ये, आपको वहाँ दिखाई रहेगा वहाँ वहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिज, और इस साइड वहाँ तक जाता है वो जो ऊपर मंदिर दिख रही है वहाँ तक भाई। चलिए बस यहाँ थोड़ा थोड़ा फोटो खिंचवाते हैं फिर निकल। फाइनली गाइस यहाँ हो गए, फोटो सेशन हो गए, और ये स्टोरी मैंने डाल दी है किस पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी नीचे शो कर रही होगी क्योंकि यूट्यूब पे आने पे लगेगा टाइम, और इंस्टाग्राम पे हो गया। अब निकलते हैं यहाँ से। तो ये भाई ये ब्रिज था, और अब सूरज देवता आ गए हैं भैया, ऊपर हल्का हल्का दिखने लगा है। चलो कितना तेज चला रहा है भाई गाड़ी, भाई रोड पूरी रोड खाली है ना, और सूरज देवता ये निकला गए, और इस साइड चल रही ना हमारे साथ से चल रही, इधर कोई नदी है, इधर राइट साइड में नदी चल रही है, और ये रोड भाई, और इधर पूरा हरियाली। गाइस अभी डिस्टेंस हो रहा है 131 किलोमीटर हो गया, और टाइम हो रहा है 7:38, और ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्टॉप, मतलब टी ब्रेक बस। बाकी यार बाल वाल थोड़ा मिट जाते हैं हेलमेट में, वो तो छोड़िए, मज़े आ रहे हैं। चलिए चाय पीते हैं, बताते हैं। आप हेलमेट का हाल देखो मेरे, कितने कीड़े मारे मैंने यार मच्छर वच्छर कितने मारे मैंने और ये देखो क्या हाल है और एक मेरा साथी कहाँ गए, हिमांशु भाई कहाँ गए, वो आपको बैक ऑफ द कैमरा बताएंगे बाकी लहरपुर कौन सा जगह भैया, लहरू हो रहा ना लहरपुर, हाँ लहरपुर पास में केसरीगंज है ये, अच्छा तो केसरीगंज है भाई। हम निकाल रहे हैं पकौड़ी, गरम 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 पकौड़ी खाएंगे और चाय पियेंगे बस, उसके बाद फिर यहाँ से फिर अपनी मंजिल की तरफ। तो हम लोग यहाँ हो गए हैं चार्ज, और यहाँ हो गए लगभग 40 मिनट हो गए थे, अब निकल रहे हैं नॉन स्टॉप, और यहाँ से 100 किलोमीटर पे अगला स्टॉप होगा। और भाई साहब इधर बोलबम कावड़िया वाले जा रहे हैं भाई, ठीक ये लखीमपुर है, और पूरनपुर, अभी टाइम जो हो रहा है ना वो 10:47, इधर हम लोगों ने गाड़ी चला दी। पहला स्टॉप था 137 किलोमीटर पे, दूसरा स्टॉप है जब लगभग 260, काफ़ी चल गई गाड़ी इस बार। यहाँ करेंगे हम लोग कुछ हल्का फुल्का लंच भाई, लंच हल्का फुल्का खाएंगे नहीं तो भाई नींद आएगी। पनीर दाल और रोटी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ये भूल गए प्याज भी है भाई प्याज भी है, और ये चाचा मौज चल रहे मौज, बाकी वहाँ भी फैला हुआ सामान, कुछ यहाँ फैला हुआ है गाड़ी में, पूरा इसमें खा लिया ये भाई। बाकी यहाँ खाते हैं, अभी तो टाइम क्या हो रहा है यार, ये टाइम है 11:22, और बस आगे निकलते हैं फिर यहाँ से। 170 कितना बचा है, 170 अप्रोक्स बचा है यहाँ से, कवर हो जाएगा वो भी, इधर रोड खाली मिल रही है और स्पीड काफ़ी बन पा रही है, मतलब 80-82 ऐसे ही आराम से बस। पहले कदम का खाना ठंडा हो रहा है यार बस, टाइम हो रहा है 11:46, यहाँ हो गया अच्छा लंच, ये कौन सा खाना खजाना नाम से है यहाँ पे,
ठीक ठाक था, लेकिन क्या था, खाना वाना हो गया और यहाँ से निकल लिए। और जो उन्होंने डिस्टेंस कवर की है 260 किलोमीटर, अभी टाइम हो रहा है 11:48 किलोमीटर से यहाँ से है एन 70 का 2 किलोमीटर कम, 168 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा, इधर से आप दिल्ली भी जा सकते हैं, दिल्ली दूर नहीं है, 331 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है। पीलीभीत है 38 किलोमीटर जो कि रास्ते में पड़ेगा। और बरेली है 86, तो बरेली की क्या फेमस है, बर्फी और पता नहीं है, हमें नहीं पता, आप लोग बताइए क्या फेमस है बरेली की। गर्मी ना अब थोड़ी थोड़ी पड़ गई है और गर्मी हो गई है, अब दो चीज़ मिलनी है, कि तो बारिश मिलेगी कि तो गर्मी मिलेगी, तो गर्मी हम झेल लेंगे बट बारिश नहीं यार, बारिश ख़राब हो जाएगा मौसम, पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। बाकी नैनीताल में चल के देखते हैं क्या हाल है भाई नैनीताल के। फाइनली गाइस, ये वाला जो जंगल के छोटे जो पैच आने स्टार्ट हो गए, जंगल से अब गुजरेंगे भैया हम, जंगल से। उस गाड़ी में ना जो पल्सर में बंधा हुआ है ना बैग, तो बार बार स्लिप कर जा रहा है, इसलिए बार बार हम लोगों को रुकना पड़ रहा है। और बाकी हम लोगों ने कवर कर लिया है 364 किलोमीटर, आवाज़ आ रही है बंद। I didn't wanna see the warning signs, and now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave. Every time you say my name. सिलेंडर बढ़ रहा है गाइस, सिलेंडर ले लीजिए आप उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड मीन्स ना, मतलब क्या समझते हैं लोग, उत्तराखंड मतलब पहाड़, उत्तराखंड मतलब जंगल, लेकिन अभी हद तक हमें पहाड़ एक भी नहीं दिखे। गाइस, ये मार्केट जानते हैं कौन सा है, मैन मार्केट चोरगलिया नाम है इसका, चोरगलिया नाम है, और आगे कहीं दिखा भी दूंगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो बस पहाड़ यहाँ से विजिबल नहीं हो रहे हैं, मतलब बादल सा वैसे कुछ दिख रहा है, बाकी पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। और ये नैनीताल में ही आता है वैसे में, बाकी ये हमारे चचा जान है ना, ये हमारे कभी स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, कभी धीरे चलाएंगे। गाइस भाई साहब, इतना घना जंगल, ये देखिए, ये ऐसे ज़्यादा ही डाउन अप, भाई साहब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। और यहाँ पे ना अभी पीछे रोड गीली गीली थी, मतलब अभी दो घंटे पहले बारिश हुई होगी ऐसा लग रहा है। और ये देखिए, हमारे क्लास वाले बेस्टमेट ये बताएं कि प्लांट किस चीज़ का है, अगर कोई प्लांट क्लियर हो जाए। ये प्लांट किस चीज़ का है, ये तो सागवान है भाई, देखिए पूरा जंगल है यहाँ पे। थोड़ा खींचेंगे फोटो दो, पहले खींच लो भाई। ये भैया आ गए, इस यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर। डीजी द्रव्यगुड़ के बच्चे बताएंगे पढ़ने वाले किस चीज़ का प्लांट है। ये तो सागवान हो गया, और ये किस चीज़ का प्लांट है, हमारे बैचमेट्स बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताना ये किस चीज़ का प्लांट है, बताओ। जंगल आए हो आप लोगों के लिए भाई, वीडियो बनाने के लिए। बाकी ये मेरे धन्नो यार, गजब साथ दिए भाई, ये गजब। और इसके तोड़ ही अलग है, मतलब लाइट जला मैं इसका, ये देखें ब्लू वाली कितनी प्यारी लग रही है ना, बस भाई। बाकी हम तो प्यारे दिख रहे हैं,
होटल नैपकिन पेपर चुरा लाए, कितने लाए थे? पूरा गड्डी अरे भाई साहब इधर वाटरफॉल देखो, अब वाटरफॉल मिल गया भाई। क्या पैर उठा रहे हो यार तुम? वाटरफॉल, वाटर बहुत साफ पानी है और बहुत तेज बह रहा है, इधर बहते हुए जा रहा है भाई। ये राइड का पहला वाटरफॉल, मतलब मेरे जीवन का पहला वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग कह सकते हो। हाँ जी हैं इधर ना, इधर अभी कुछ टाइम पहले ये देखे इधर पूरा बालू बालू देखे, मतलब इधर पानी भरा होगा या बाढ़ आई रही होगी। ये बहा हुआ बालू है, ये पूरा बालू। उधर पीछे भी देखे, इधर रोड भी देखे, रोड पे पानी आ रहा होगा ऐसा। गाइस सामने देखो यार, भाई साहब ये पहाड़ जैसे ऐसा नहीं लग रहा। देखो इधर धूप है ना, सारे बादल जाके उधर ही पहाड़ के तरफ पास रुके हुए हैं, है ना ऐसे। भाई आपको मतलब आई होप क्लियर आ रहा होगा व्यू, पूरा दूर से ना कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब पहाड़ वहाड़ नहीं दिख रहा है, पूरा बादल बादल दिख रहा है यार। और आ गया भाई, पहाड़ों में आ गया मैं, यस। पहाड़ों में हम आ गए यार। यार ये ट्रिप ना सडन बनी थी, लेकिन क्या होता हूँ, मतलब ऑसम देख रहे पूरा ऊपर तक बादलों तक भाई साहब, पहाड़ पहाड़ पहाड़। आप ही होगा यहाँ से स्टार्ट होंगे पहाड़, ये काठ गोदाम से आप जब तक 4 किलोमीटर इधर आएंगे नैनीताल की तरफ, वहाँ से स्टार्ट होते हैं ये बादल, मतलब ये पहाड़ पहाड़ स्टार्ट होता है। उसके पहले कोई पहाड़ नहीं है, कोई हिल नहीं है, देख रहे हो सामने। जा भाई, मुझे फुलटॉस आ रहे हैं भाई। यहाँ पे स्टे कितने दिन होता है पता नहीं, देखेंगे यार। कितने बजे हम लोग स्टॉप लिए थे? लगभग 11:30 बजे रुके हुए थे, उसके बाद से एक बार सिर्फ पानी भरने के लिए रुके और फिर चलते जा रहे हैं यार। ये चेक करो भाई यार, क्या गजब का व्यू आ रहा है ना नेपाल राइड के बाद यार। ये भाई राइड भाई, वैसे जब पहाड़ पे जो फीलिंग आती है ना, वो कहीं नहीं आने वाली यार। मतलब सब चीज़ एक लेवल के बाद सब चीज़ छोटी लगती है तुम्हें, मतलब चाहे वो जितनी बड़ी गाड़ी हो, चाहे हमर हो, चाहे जो भी हो, सब छोटी दिखती है यार, सब कुछ बिल्कुल छोटा। कितना भी बड़ा घर हो नीचे, सब छोटा दिखता है। मौसम देखो यहाँ पे यार, अब लग रहा है ना अब बरस जाएगा यार। ऊपर देखो, ओए गॉड, जंगल फिएस्टा होटल। और पूरा धुंध से छाई हुई है और ठंडा भी लगने लगा यार इधर मौसम। हाफ टी शर्ट पहन के आया यार, ठंडा लग रहा है हल्का फुल्का। बस 5 किलोमीटर है यहाँ से, 5 किलोमीटर हो जाए। इधर देखो, इधर आप दिखा नहीं सकता, मतलब जब से गाड़ी, मतलब काठ गोदाम से जब से गाड़ी चली है ना, ये देखिए, अरे भाई कुछ दिखती नहीं रहा यार। ओ भाई साहब सच बताएं, एक चीज़ लेकिन मैं मिस कर रहा हूँ यार, मैं आरी को, रॉयल इनफील्ड को बहुत मिस कर रहा हूँ, बुलेट को यार, वही लेके आना चाहिए था। मतलब लास्ट मोमेंट पे दो बहुत कंफ्यूज था मैं क्या लेके जाऊँ, लेकिन एवरेज के लिए इसको लेकर आया। और ये देख रहे हो, और चेंज करना पड़ रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, देख लीजिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। मतलब वो आगे जा रहा है, हिमांशु जा रहा है, ये देखो यार लाइट जला के चल रहा हूँ। क्या बादल है यार, बादल कितना, मतलब कितना ऊपर, लगभग जब काठ गोदाम से 32 लगभग 32 किलोमीटर ऊपर आए हम लोग, ऊपर चले जा रहे हैं। कब तक जाना है ये भाई, मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब है। आराम से चलना हिमांशु, अलग एक्सपीरियंस यार। मतलब मानसून के मौसम ये सीन होना था,
आराम से चलना, आराम से। गाड़ी आ रही है, लाइट जला के देखो तब भी दिख रहा है, पूरा फॉगी फॉगी हो रहा है, मतलब क्या बताऊँ। हमारे लेफ्ट तरफ बहुत गहरी खाई और राइट साइड पहाड़ और बीच में रोड और उस पे हम, क्या बात है। जूता हटा दे पीछे, अरे यार क्या सीन है, मतलब लौट चले क्या, लौट चले क्या वापस अब। अरे यार कब तक जाना है भाई। देख रहे हो यार, मतलब फाइनली गाइस नैनीताल तो पहुंच गए थे, लेकिन यार रूम ढूंढने में ना बहुत ज़्यादा खोजना पड़ा, एक तो बजट होटल ढूंढना था, तो बजट में ही है होटल के साथ होटल करके है, और ये रूम है भाई साहब, बहुत अच्छा नहीं है बस नॉर्मल है, ठीक ठाक है। ये देखो सबसे ज्यादा तो ये परेशान था लड़का, कहीं भैया के बोल रहे कि हाँ कहीं रोड पे लिटा दो बस, हम यही सो जाएंगे आगे नहीं जा पाएंगे। हालत देखो, हालत देखो। नैनीताल घूमने ठंडा टी शर्ट पहन के थे, मैं टी शर्ट, ये टी शर्ट और ये टी शर्ट, ठीक दांत बजने वाले सिस्टम। जब ऊपर चढ़ रहे थे बहुत ठंडा लग रहा था, आपको बाहर का मौसम दिखाता है, बाहर दिखाता है दिखती है बालकनी से ये व्यू, बस ये व्यू को लेके हमने कोई हाल ही है, वो देख रहे हैं बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश हो रही है, मतलब नैनीताल का मौसम भाई कब बदल जाए, कब बदल जाए कुछ बता नहीं, अभी धूप रहेगी फिर बारिश हो जाएगी फिर धूप निकल आएगी 5 मिनट में, ये सीन रहता है। बाकी यार सच में थक गए, हम कपड़े थोड़ा चेंज करते हैं मस्त, उसके बाद देखते हैं शाम को कहाँ घूमने जाते हैं। चलिए इसे वीडियो एंड करते हैं, अगर कहीं घूमने जाएंगे तो दिखाएंगे, अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम।